गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम हिंदी का जो 15 चैप्टर है क्लास 12th का वो पढ़ने जा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर का. हाँ, भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे. ये देखिए उनका पिक्चर है और आपको पता होगा कि वो क्यों फेमस थे. हमारे भी जो है आज हम उनका नाम जो कि एक बुक में पढ़ रहे हैं और इतना फेमस है उनका नाम हमारे बीच में, तो वो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड. क्योंकि उन्होंने अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. हाँ, ये उनका पिक्चर है. अब हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं. उनका जो जन्म है वो कब हुआ? हाँ, तो उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ. अब उनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है उसमें या तो उनका जन्म पूछते हैं कब और कहाँ हुआ, उसके बाद उनकी रचनाएं पूछी जाती है, तो उनकी रचनाएं देख लीजिए आप. द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो कि 1917 में आई, प्रथम प्रकाशित कृति थी उनकी. द अनटचेबल्स, हु आर दे, वो 1948 में आई. हु आर द शुद्रास, वो 1946 में आई. बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो 1957 में आई. थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये 1955 में आई. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1923 में आई. द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916 में, 1916 में आई. द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, 1965, 1965 में आई. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में आई. लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1943 में आई. बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, 1956 में आई. ये इनकी पुस्तकें और भाषण हैं. मूक नायक, बहिष्कृत, भारत, जनता, ये पत्रिका है जिनका उन्होंने संपादन किया. हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है. ध्यान रहे, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में विभाजित है, कितने खंडों में है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है. निधन उनका दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ. अब हम जो है बाबा अंबेडकर के बारे में, जो उन्होंने जो हमारे सामने जो ये चैप्टर है, पार्ट हमारा जो अध्याय है, उसमें उन्होंने किस बारे में बताया गया है वही हम देखते हैं. यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण, जो उन्होंने भाषण दिया था, कौन सा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में दिया था, के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण दिया. उन्होंने इंग्लिश में था लेकिन ललई सिंह यादव ने क्या किया, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है जो हमारे सामने प्रस्तुत है. जाति भेद का उच्छेद के दो प्रकरणों के तौर पर है यह भाषण. जाति पाति तोड़क मंडल, जो कि लाहौर में है, के वार्षिक सम्मेलन, जो कि 1936 में हुआ था, के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था. वार्षिक सम्मेलन में एक भाषण देता है ना, उनको अध्यक्ष बनाया गया था उसका, और उन्होंने जो भाषण दिया था, उन भाषण देने के लिए उन्होंने जो प्रिपेयर किया था भाषण, वो था ये भाषण जो हमारे सामने है. परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया. मतलब वो भाषण दिया तो प्रिपेयर तो इसलिए किया गया था कि वो वहाँ दिया जाएगा, लेकिन वो जो सम्मेलन था वो स्थगित किया गया, इसलिए वो भाषण दे नहीं पाए और ये पढ़ाने जा सका. बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुआ, जिसका अंश हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं. उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य तो होने चाहिए. उनके लिए, उनके हिसाब से एक आदर्श समाज की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और
बंधुता मीन्स भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, इसीलिए ये आपके जो है पुस्तिका, आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है, कौन सी है, क्या नाम है उसका, आरो, उसमें ये पाठ 15 जो है सम्मिलित किया गया है। इसमें जो है ये, क्योंकि ये आज की जो ये समसामयिक घटनाक्रम है जिसमें जातियों के नाम पर कितना भेदभाव होता है, समाज में बंधुता नहीं है, तो ये इसीलिए जो है हम जैसे आप जैसे युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं इसके प्रति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा श्रम विभाजन क्या है, किसे कहते हैं? वो जो कार्य के हिसाब से श्रमों का विभाजन कर देते जैसे हाँ, यहाँ देखो श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब हो गया कि जब समाज में जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर उनका काम डिसाइड कर दिया जाए, उनका काम बांट दिया जाए कि जैसे एक मजदूर है तो उसका बच्चा भी मजदूरी करेगा, मैला ढोने वाला है उसका बच्चा भी मैला ही ढोएगा, तो ये सब जो विभाजन कर दिया गया है श्रम का, तो वो चीजें है वो गलत है, अंबेडकर जी इसके अगेंस्ट जो है, इसीलिए वो हमें इस अध्याय में ये सब कुछ बता रहे हैं कि ये हमारे समाज के लिए एक विषैला जो है जहर है इनके लिए, समाज के लिए, ये हमें इस अध्याय में बता रहे हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का मतलब बड़ी ही दुख की बात है कि इस युग में भी, कि ये कलयुग चल रहा है तो भी यहाँ जातिवाद आज भी है, और ऐसे पोषकों की अर्थात इसको बढ़ावा देने वाले लोगों की कोई कमी भी नहीं है, जबकि आपको पता है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में सभी समान होते हैं। हमारा धर्म, जो हमारा देश है भारतवर्ष, वो सर्वधर्म संभाव की भावना है, उसमें वासुदेव कुटुंबकम की भावना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में जातिवाद को काफी बढ़ावा देते जा रहे हैं, ये हमारे समाज की विडंबना ही कही जा सकती है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अब लेखक जो अंबेडकर जी हैं, वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि वो क्यों इसका समर्थन करते हैं, इसके पीछे उनके अपने कुछ व्यूज हैं, अब वो हमें बता रहे हैं। अब वो क्या आधार बता रहे हैं इसके पीछे कि वो समर्थन क्यों करते हैं? समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अब देखो, कार्य कुशलता का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड, हाँ, जो कार्य करने में निपुण हो। तो यहाँ ऐसा क्यों आवश्यक माना है कि जातिवाद क्यों होना चाहिए, क्या क्यों बताया इन्होंने? इन्होंने इसलिए बताया है कि मान लो कि कोई व्यक्ति जो है, जो जो जन मतलब उनकी, उनका जो परिवार है, उनका पैतृक व्यवसाय मान लो चमड़ा, चमड़े से जूते बनाना है, ठीक है, तो अब वो उनका व्यवसाय है तो वो उसमें कुशल रहेंगे, जो बचपन से ये सब सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो वो उसमें ज्यादा अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे। अगर किसी और जाति वाले को हम ये कहें कि आपको ये जूता बनाना है, तो वो अच्छे से ट्रेंड नहीं होते, क्योंकि उनको ये सब नहीं पता होता है और ये बचपन से ये सब देखते हैं, सीखते हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कि श्रम का विभाजन इसलिए किया जाता है कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो बटे हुए हैं वर्गों में, बटे हुए हैं जो जातियों में, बटे हुए हैं, उनको उस काम को करने का ज्यादा उनमें महारत हासिल होती है, इसीलिए वो काम अच्छे से कर पाएंगे। एक पंडित है, उसको अगर पूजा का काम दिया जाए तो वो अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि वो बचपन से यही सब देख के बड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी और जाति वाले को ये सब काम करने के लिए दिया जाए, कि वो अच्छे से कुशलता से वो कार्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि वो समर्थन जातिवाद का क्यों करते हैं, क्योंकि इससे श्रम विभाजन का क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्य कुशल होते हैं उन कामों में, इसलिए ये सही है उनकी नजर में। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है,
जाति, क्योंकि जातियों के आधार पर ही तो श्रम का बंटवारा हो जाता है, जो जिस हिसाब से जिस जाति का है उस हिसाब से उनका जो है व्यवसाय बटा हुआ होता है। जैसे बनिए होते हैं, उनके बच्चे फिर वही बिजनेस करते हैं, हाँ उनकी दुकानें जो उनका व्यापार है पैतृक उसको ही संभालते हैं। तो इस तरह से सब अपना अपने उस हिसाब से श्रम का विभाजन किया गया है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वो ये मानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। अब जो ये तर्क दिया है इन्होंने, उसके पीछे क्या आपत्तिजनक बात उन्होंने बताई है कि जाति प्रथा व श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, कहने का मतलब है कि मजदूरों को बांट दिया गया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो मान लिया जाए एक बार के लिए कि श्रम विभाजन आवश्यक है, जाति विभाजन भी आवश्यक है, लेकिन ये श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है, जो श्रमिकों के विभिन्न वर्ग बन गए हैं उनमें अस्वाभाविक विभाजन करती है। मतलब जो है समाज में मनुष्यों के साथ जो समानता का व्यवहार होना चाहिए, बंधुता का व्यवहार होना चाहिए, उनमें वो जो है भेदभाव करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है। आपने देखा होगा, हालांकि अब तो बहुत कम होने लग गया ऐसा इस युग में तो, लेकिन हमने खुद ने देखा है कि जब नीची जाति के लोग, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगी पर्टिकुलर कि किसको नीची जाति मानते थे, लेकिन हमने खुद ने देखा है कि जब ऐसे लोग घर पर आते थे ढोली भाट, मान लो ऐसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, तो उनको जो है नीचे बिठाया जाता था, बाहर ही, घर के अंदर एंट्री नहीं थी उनकी, उनको बाहर बिठाया जाता था। अगर उनको कोई वो पानी भी मांगे तो उनको जो है खुद के घर के बर्तनों में उनको पानी नहीं दिया जाता था, वो खुद के बर्तन उनके पास होते उसमें डाला जाता था दूर से पानी। तो इस तरह से जो है ये विभाजन जो है हमारे भारतीय समाज में काफी हमने देखा है, तो इस चीज को हम नकार नहीं सकते। ऊंच नीच भी करा देती है, ऊंचा नीचा काफी मानती है उनको, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया, ये हमारे भारतवर्ष में ज्यादा पाया गया। जहां आपको पता है अब तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पहले मंदिरों में भी निषेध था, जो निजी जाति के लोग हैं उनको मंदिरों में एंट्री नहीं थी, भगवान की पूजा करने की उनको परमिशन नहीं थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा पहले ऐसा होता था। हाँ यही तो है ना कि भगवान तो सबके हैं, सबके लिए बराबर है, लेकिन हमारे समाज में जो है उनको ऊंचा नीचा समाज को क्या वर्गों में बांट दिया गया था, जातियों में बांट दिया गया था। उस हिसाब से जो है उन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी मंदिरों में प्रवेश पे प्रतिबंध था, इसलिए वो यहाँ कहा गया है कि हमारे भारतीय समाज में तो कुछ ज्यादा ही था ऊंच नीच की भावना, विश्व के और किसी समाज में ऐसा नहीं पाया गया है। ये बात अंबेडकर जी कह रहे हैं, और आपको पता होगा कि अंबेडकर जी किस खुद किस वर्ग से, किस जाति से थे, वेरी गुड, दलित वर्ग से थे, वो दलित जाति के थे, इसीलिए वो इन सब चीजों के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी सफर किया है, उन्होंने खुद ने भी सफर किया है। और जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद के ऊपर बीतती है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, और उसको वो सब अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए उन्होंने इस चैप्टर में काफी अच्छा इसके बारे में बताया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वभाव के अनुरूप विभाजन नहीं है। अगर ये जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए कि जातियों को श्रम के, कि वो क्या काम करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बांट दें, डिवाइड कर दें, तो ये गलत है, स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य की रुचि तो किसी भी काम में हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसको थोड़ी पता होता है कि वो किस जाति में हुआ है, किस वर्ग में हुआ है, ये सब तो वो बाद में सीखता है, लेकिन उसकी रुचि किस चीज में है सबसे क्या मायने रखता है। कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन क्या मायने रखता है, मेन मायने रखता है उसका रुचि, उसकी रुचि। आपको पता है, आप भी जो है अब सब्जेक्ट चूज करते हो तो किसके हिसाब से करते हो, अपनी
रुचि के हिसाब से। और अब तो पेरेंट्स जो है इसमें कोई दखलंदाजी भी नहीं करते। पहले तो ऐसा होता था कि हाँ भाई साइंस ही ले मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, जबकि बेटे के वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही कॉमर्स में है तो वो उसको वो लेना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रुचि के आधार पर है सब कुछ। इसलिए वो कहा है क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ये सही कह रहे हैं और उन्होंने उस समय में ये बात कही थी और आज जो NEP 20 आई है उसमें ये बात कही गई है। कब उन्होंने ये बात कही, कब उन्होंने अपना भाषण दिया, 1936 में दिया तो नहीं था लेकिन लिखा था, तो वो जब उन्होंने बात कही थी वो आज जो है NEP 20 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो शिक्षा नीति है वो जो अब लागू होने वाली है उसमें ये बात कही गई है। और उसमें तो ये भी लिखा है कि बच्चा जब 6 में आएगा तभी जो है उसको अपना पेशा कि वो आगे जाके क्या करने वाला है, कोई बिजनेस में उसको इंटरेस्ट है तो 6 क्लास में एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसमें आप जो है अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हो और उसी में अपना फ्यूचर आगे बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये काफी पहले ही कही गई थी लेकिन अब उसको फॉलो किया जाएगा। हाँ, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसके विपरीत जो है ऐसा होता है समाज में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग है जो शिक्षित नहीं है, उन वो लोग जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय में ही निश्चित हो जाता है कि उसके पिता का या उसके परिवार का ये पेशा है, उनके समाज का उनकी जाति में यही पेशा चलता है तो बच्चे को भी वही करना पड़ेगा, जबकि उस बच्चा वो दुनिया में आया ही नहीं है अभी तक, गर्भ में ही है, लेकिन हमारे समाज में फिर भी जो है उसका पहले से ही डिसाइड हो जाता है उसका पेशा कि वो क्या करेगा आगे जाके। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है कि मतलब रुचि के अनुसार वो व्यवसाय नहीं कर सकता, रुचि के अनुसार अपना करियर नहीं बना सकता। तो यहाँ ये बात कही गई है, इसीलिए जाति प्रथा दोषपूर्ण है हमारे समाज के लिए। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, कि मान लो आदिवासी लोग हैं उनका तो पेशा ही क्या होता है, जानवर चराना, जंगलों से लकड़ियां वगैरह बीन कर लाना, है ना, उससे ही अपना घर चलाना, ये अब उनकी हालत कितनी खराब होती है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, हाँ खाने के लिए ढंग से भरपेट खाना नहीं होता है, फिर भी उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको उसी काम में लगाए हुए हैं। तो फिर ऐसा ऐसा काम किस काम का जो तुम्हें दो वक्त का खाना भी नसीब हो पाए तुम्हें। तो इसलिए वो कहा गया है कि वो पेशा अनुपयुक्त है, अपर्याप्त है, तुम्हारा जो है तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है। रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक आवश्यकताएं होती है ना, हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसको भी अगर पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो परिवार समाज के ऐसे समाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को उसी फील्ड में लेकर जाएंगे कि चाहे वो उनको भूखों मरना पड़े। आधुनिक युग में स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, और आधुनिक समय में कई बार ऐसा होता है कि उसके पिता बिजनेसमैन है और उनके एक बच्चा एक बेटा है तो वो जबरदस्ती उसको कहते हैं कि मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, अगर तुम किसी और फील्ड में चले जाओगे तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। तो इस तरह से उसको जबरदस्ती जो है बच्चे को जो रुचि होती है उसके अनुसार उसको फील्ड नहीं मिल पाता और जब मजबूरन उसको उसका बिजनेस ही देखना होता है, इसलिए यहाँ ये बात कही गई है। अब कई बार क्या होता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। और मान लो किसी का पैतृक व्यवसाय ऐसा है जो अब जो है आज के जमाने में नहीं चल पा रहा है लेकिन फिर भी घर वाले उसको जबरदस्ती उसी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो बाद में तो उसके लिए भूखों मरने की कंडीशन आ जाएगी ना, क्योंकि वो बिजनेस चल नहीं पा रहा है और वो जबरदस्ती उसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको, तो वो आगे जो है एक बेरोजगार की कंडीशन उसकी हो जाएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो जाति प्रथा है हमारे समाज की
वो आपको पेशा चुनने की जो है परमिशन नहीं देता है। तो जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, मतलब चाहे उसको दूसरे काम में वो कितना भी ट्रेंड हो, लेकिन हिंदू समाज में जो जाति प्रथा एक ऐसा विषाक्त जो है हमारे समाज में, वो बुराई है हमारे समाज की, जो उसको बार बार जो है उसी धंधे की तरफ आकर्षित कर धकेलेगी जो कि उसके लिए उपयुक्त नहीं है। चाहे उसको दूसरा काम बहुत परफेक्शन से आता हो, लेकिन फिर भी उसको घर वाले उनके खुद के जो बिजनेस है उसी में इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो अच्छे से ना चल रहा हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसीलिए बेरोजगारी जो हमारे समाज में फैली हुई है, भारतवर्ष में जो बेरोजगारी की अधिकता है, वो क्यों है? इसी वजह से है, जाति प्रथा फैली हुई है। इसलिए लोगों को अपनी कुशलता के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से उनको बिजनेस करने की परमिशन नहीं होती है, और इसीलिए वो आगे जाकर अपना फ्यूचर अच्छे से नहीं बना पाते हैं और वो बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अब श्रम विभाजन की दृष्टि से बता रहे हैं, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। श्रम विभाजन भी मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है कि उसकी इच्छा से वो श्रम का वो जो है श्रम कर रहा है या काम को चुन रहा है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। कि व्यक्ति अपनी रुचि से ही श्रम नहीं चुन सकता ना, उसके लिए भी उसका समाज, जाति, ये सब आड़े आ जाते हैं। पूर्व लेख ही इसका आधार है, जो पहले लिखा है उसमें बताया गया है कि यही जो है दोषपूर्ण है हमारे समाज में, जातिवाद, श्रम विभाजन, ये दोषपूर्ण है। इसकी वजह से वो आगे जो है बढ़ नहीं पाता है। जाति, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, कि गरीबी और उत्पीड़न जो लोगों के साथ जो पीड़ा उनको भुगतनी पड़ रही है, गरीबी के साथ जो वो जी रहे हैं, वो इतना दोषपूर्ण नहीं है। दोषपूर्ण क्या है कि वो कोई कार्य अरुचि के साथ करने के लिए विवश है, वो दोषपूर्ण है कि उनको रुचि नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को जिस चीज में रुचि है, मान लो कोई बच्चा है जिसको फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है, अगर वो बच्चा फोटोग्राफी कर, अब उसके पेरेंट्स को जब वो बोलेगा कि मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट है और मैं इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे। पर वो गलत है, देखो मैं इस चीज को नहीं मानती, वो गलत है। बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से ही, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट हो सकता है, और वो हम कोई कार्य रुचि से करते हैं तो हम उसमें काफी परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए और अपनी रुचि के हिसाब से ही अपना करियर चुनना चाहिए, यही हमें अंबेडकर जी कह रहे हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्घटना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जब व्यक्ति उस कार्य में कुशल नहीं होगा तो क्या होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपना फ्यूचर जो है अच्छे से जो है नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल लगता हो न दिमाग, जहां दिमाग नहीं लगे, दिल नहीं लगे काम करने में, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? उसमें कोई ट्रेंड नहीं हो सकता है, रुचि के हिसाब से ही कोई ट्रेंड होता है। रुचि जिसमें है उसी कार्य को करना चाहिए। ये मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको जिस कार्य में रुचि है, जो सब्जेक्ट लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपना बिजनेस आगे जाके चुनना चाहिए। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से कहने का मतलब है कि आप जो है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी अगर आप रुचि के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि मनुष्य जो है रुचि के हिसाब से कार्य नहीं करेगा तो उसका जो व्यवसाय है या जो कार्य वो कर रहा है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, और उसके बाद उसको काफी हानि ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुने,
ये अंबेडकर जी हमें कह रहे हैं। तो उनका जो पहला टॉपिक था जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इस चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। फोटोग्राफी करके है।